तो फ्रेंड्स, ये है 130 डीसी मोटर जो कि टॉयस में यूज होती है। हम बचपन से इससे खेलते आ रहे हैं और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इससे काफी सारे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं इस 130 मोटर का क्रॉस सेक्शन मॉड्यूल। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो, तो वीडियो कंप्लीट देखना है। तो जल्दी से इसके लॉक्स खोलते हैं और मोटर के अंदर के सारे कंपोनेंट्स बाहर निकाल लेते हैं। उसके मैंने लॉक्स खोल लिए हैं। ये आ गया इसका आर्मेचर और ये आ गया इसका मेन कवर जो इसकी बॉडी है। और यहां पर एक मेटल का स्प्रिंग टाइप की चीज होती है, इसे हमने इस तरीके से खींचना है और ये बाहर आ जाएगी। उसके बाद आसानी से मैग्नेट्स भी बाहर आ जाएंगी। स्क्रू ड्राइवर भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स हमने निकाल दिए, अब हम इसको कट करने वाले हैं। तो हमने इसके बिल्कुल सेंटर में कट लगाना है, इसको आधा कर देंगे हम। और उससे पहले हम ये इसका बुश बैरिंग भी निकाल लेंगे। इसकी अपनी रॉड अगर हम इसके अंदर डालकर थोड़ा सा अनबैलेंस करें तो ये बुश बैरिंग निकल जाता है। अगर आपके पास ये दोनों चीजें नहीं है तो आप ये वाली सॉ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, कटिंग करने के दौरान आपने आई मास्क पहन लेना है, क्योंकि इससे निकलने वाले लोहे के जर्रे आंखों में जा सकते हैं जो कि परमानेंटली ब्लाइंड कर सकते हैं। इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम, तो आप लोगों ने बचना है। मेरे पास यहां पर गॉगल्स है तो मैं इसे पहन लूंगा। इसके थोड़ा सा बाहर से ही कट करना है, फिर उसके बाद फाइल करके हम इसे लेवल में तो कर ही लेंगे। ठीक है, पहले मैं इसका ये पार्ट निकालूंगा, इसके ब्रशेस, इसे हम बाद में असेंबल कर लेंगे, इसे साइड में रख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी का जो ये बुश बैरिंग लगा है इसे भी हम निकाल लेंगे। तो इसे निकालने का तरीका भी वही है। ये देखिए, दोनों बुश बैरिंग मेरे पास आ गए हैं यहां पर। इसके ऊपर रख के मैं थोड़ी सी सैंडिंग करूंगा। तो सैंडिंग कंप्लीट हो गई है, अब हो जाए थोड़ी सी डिटेलिंग, उसके बाद होगी इसकी वॉशिंग। WD-40 का कैप लूंगा मैं, उसके अंदर ही इसे डालूंगा और ये WD-40 स्प्रे कर दी इस पे। इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देंगे। Many hours later. सबसे शुरू में हम ये जो इसकी बॉडी है इसके ऊपर डालेंगे सुपर ग्लू। बिल्कुल थोड़ी सी, और उसके बाद मैं इसका ये बुश बैरिंग यहां लगा दूंगा। तो इस गैप के अंदर हमने सुपर ग्लू डालनी है और उसके बाद ये बुश बैरिंग इसमें इस तरीके से फंसा देना है। सूखने के लिए इसे रख देते हैं। या नेक्स्ट लेंगे एक मैग्नेट, सुपर ग्लू डालूंगा, इसकी मदद से ये मैग्नेट अपनी जगह पर टिक जाएगा। तो हम यहां एक मैग्नेट लगा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नेट। नेक्स्ट लेंगे इसके ब्रशेस, तो इसे निकालूंगा और इस जगह में मैं सुपर ग्लू डालूंगा। इसके जो ब्रश है इसके अंदर ही फिक्स हो जाए हमेशा के लिए और इधर उधर ना भागे। ग्लू डालने के बाद इसे लगा देते हैं। जैसे हम इसके अंदर यहां पर लगाएंगे, ये देखिए बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए। सुपर ग्लू ब्रश के अंदर या बेयरिंग के अंदर नहीं जानी चाहिए, वरना ये
इसे तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी। अब हमने इसे इस तरीके से यहां से इसके टॉप पार्ट के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे, और लगाने से पहले यहां थोड़ी सी सुपर ग्लू मैं डाल दूंगा ताकि ये यहां से कहीं ना जा सके। उसके बाद इसे बंद कर दूंगा मैं, और इस लॉक को भी हम यहां से प्रेस कर लेंगे। तो गाइज ये मोटर काफी ब्यूटीफुल लग रही है, और मैंने इसमें यहां पर परमानेंट मार्कर से कुछ ब्लैक शेडिंग कर दी है, जिसकी वजह से एक अलग ही क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है। ये एक प्लास्टिक का पीस है, आप चाहें तो पीवीसी पाइप का भी इसी तरीके का एक पीस बना सकते हैं। अब देखिए मैं करता क्या हूं इसके साथ, सिर्फ वीडियो में बने रहिए। तो आप देख सकते हैं यहां पर एक एज बन गया है, जिसकी मदद से ये इसके अंदर काफी ब्यूटीफुली फिट हो रहा है। ऊपर मैं सुपर ग्लू करूंगा, और यहां तक ये प्लास्टिक के पीस तक हमें सुपर ग्लू करना है। इस तरह से यहां पर लगा देना है, और बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, ऊपर से भी आप देखें। और अब इस वायर को यहां से शॉर्ट करेंगे जितना आपको चाहिए उसे। तो गाइज ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर आपको हम बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले आप मोटर की डेमोन्स्ट्रेशन करा सकते हैं कि मोटर के अंदर क्या होता है। दूसरी चीज, मॉडल के जरिए आप ये भी बता सकेंगे कि मोटर किस तरह से चलती है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, पार्ट्स कौन से हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। फिर इसके बाद आप इसके अंदर ये दिखा सकते हैं कि कार्बन ब्रशेस के होने के क्या फायदे हैं, और इसके अलावा स्पार्किंग क्या होती है कम्यूटेटर के बीच में और कार्बन ब्रशेस के बीच में। तो इसको मैं फटाफट से आपको चला के दिखा देता हूं। यहां पर हम जैसे ही पावर देंगे 5 से लेकर 12 वोल्ट तक ये मोटर चलने लगेगी। हाँ, कभी कभी इसे आपको घुमाना पड़ता है चलाने के लिए, क्योंकि इसके सिर्फ एक साइड पर मैग्नेट है, दूसरी साइड पर नहीं है। अगर इनके ये वाली कॉयल एनर्जेटिक हो रही है और इसके सामने कोई मैग्नेट नहीं है तो ये तो घूमेगी नहीं, जाहिर सी बात है। अब इसको स्टार्ट करने के लिए लाजिम पीछे वाली कॉयल या इसके मैग्नेट के सामने वाली कॉयल्स जो है एनर्जाइज होनी चाहिए और मैग्नेटाइज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं आपको दिखा देता हूं। अक्सर ये नॉर्मली स्टार्ट हो जाती है खुद ब खुद, लेकिन कई बार स्टार्ट नहीं भी होती। तो इसको मैं चला के दिखाऊंगा आपको। इस 5 वोल्ट के एडाप्टर के ऊपर आप देख सकते हैं 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का ये एडाप्टर है हुआवी का। तो मैं पहले इसे कनेक्ट कर लेता हूं कि कहीं आप ये ना समझें कि ये फेक है, 5 वोल्ट पे चलती है ये। ठीक है, और मैं पावर सप्लाई जैसे इसमें कनेक्ट करूंगा आप देखेंगे इसका रिएक्शन। ओ नहीं चली, थोड़ा घुमाना पड़ेगा। दोबारा से चेक करेंगे, एक बार स्टार्ट हो गई, दो बार स्टार्ट हो गई, तीसरी बार स्टार्ट नहीं हुई, हाथ से घुमानी पड़ी, चौथी बार स्टार्ट नहीं हुई। तो अक्सर ये स्टार्ट नहीं होती, और यहां पर इसके ब्रश को थोड़ा सा प्रेस करने से इसकी स्पीड भी बढ़ रही है। तो गाइस मोटर काफी अच्छी चल रही है, इसके अंदर कोई जुगाड़ नहीं की हुई, आप देख सकते हैं साफ तौर पर। मैं आपको दिखा देता हूं बिल्कुल क्लियरली, कोई भी इसके अंदर फेक या कोई हिडन चीज नहीं है। एक ही मैग्नेट के ऊपर ये चल रही है, 3 कॉइल है इसकी, और ये मैग्नेट्स लगाने से भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसकी स्पीड भी आप चेक कर सकते हैं, काफी तेज है, बल्कि उल्टा दूसरी मैग्नेट लगाने से इसकी स्पीड कम हो रही है, पता नहीं क्यों। तो आई थिंक क्योंकि इसके ऊपर का बाहर का कवर नहीं है बॉडी, तो इस वजह से शायद मैग्नेट सही से रिएक्ट नहीं कर रही। बहरहाल वीडियो आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा। साइंस प्रोजेक्ट था, साइंस स्टूडेंट्स के लिए बनाया है मैंने खास, और एंटरटेनिंग भी है काफी। आप लोगों को अगर जरा भी कुछ मजा आया हो वीडियो में
तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरीके के किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। या वैसे सब्सक्राइब करें।